तो हेलो दोस्तों, आज मैं आ रखी हूँ अपने फ्रेंड सुनीला के घर पे, जिसका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है सुनीला स्वीट होम करके, और ये बनाती है डीआईवाई के वीडियो, और ये बहुत मल्टी टैलेंटेड है मेरी फ्रेंड। तो आज मैं इसे अपने लंबे बालों का बलिदान करवाने वाली हूँ। ये करने वाली है मेरा आज हेयर कट, और अभी मैं आपको मिलाती हूँ अपनी फ्रेंड से। तो ये है मेरी फ्रेंड सुनीला, जो देखो एंट्री लेने वाली है। तो ये देखिए, ये काटने वाली है मेरे बालों को। हाँ, ये अपने खुद के भी बाल दिखाएगी, दिखा दो। हाँ ये देखिए, मैं खुद ही काटती हूँ कई सालों से। हाँ ये है, ये देखो हेयर कट इसने खुद ने कर रखा है, कितना अच्छा कर रखा है ना। तो ये मेरा भी करने वाली है, और ये ना मैंने वीडियो इसलिए बना लिया ताकि ना ये वो प्रूफ रहे, प्रूफ कि मेरे इतने लंबे बाल थे। और नहीं, सब सीख भी सकते हैं, इतना इजी हेयर कट है। अच्छा, ये भी कर सकता है इजीली अपने आप सेल्फ। तो कौन सा वाला हेयर कट करने वाली है? ये मेरे को एक ही आता है। कौन सा? स्टेप कट बोलते हैं। स्टेप कट, अच्छा ये स्टेप कट करवाने काटने वाली है, मेरे कटवाने नहीं वाली, काटने वाली है। तो जिसको सीखना है ना वो भी सीख ले, क्योंकि हम आगे पूरा बताने वाले हैं प्रोसेस इसका हेयर कट का। तो ये सुनीला कर रही है कटिंग की तैयारी, इसने ले लिया है न्यूज़पेपर, और ये ले लिया हथियार, जो है हथियार कैंची और कंघा। और ये देखिए, मैंने अभी अपना फोन मार दिया इसके ऊपर, यहाँ पे न्यूज़पेपर ताकि घास में बाल ही बाल ना हो जाए। हाँ ये अपनी पहले देख रही है, और ये क्योंकि सुनीला का स्वीट ऐसे थोड़ी है हमारी। हाँ वो बार-बार शॉप नहीं है कि कहीं भी बाल बाल हो जाए। सुनीला अपने स्वीट होम को है ना बर्बाद नहीं करना चाहती। ये देखो मैं आप इसका गार्डन भी दिखा देती हूँ, जिसमें इसने कई डीआईवाई कर रखे हैं। ये देखिए, और देखिए ये रही सुनीला कैची के साथ। ठीक है, ये तो एक साथ ही काटते हैं क्या मेरे सारे? तो ले देखो भैया, आपने बाल किसी के हवाले करते हुए डर तो लगता है, लेकिन मुझे इस पे पूरा विश्वास है कि हाँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। और मैं ये अभी ये इसका ये सपना है कि ये नाई बन जाए। नहीं, सपना नहीं है, मेरा शौक है। जावेद अबीब को ये रिप्लेस करने वाली है। चल गया, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ ये मैं सोच सकती हूँ। नहीं नहीं, अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा है स्टाइल। ये हमने यहाँ पे बना ली कॉर्नी। ठीक है भाई, जो जो अपने घर में जुगाड़ू हेयर कट करना चाहते हैं ना स्टेप वाला, वो स्टेप फॉलो करें ऐसे अपने सर। ये देखो यहाँ पे बनानी है बिल्कुल। हाँ। सेंटर में आपको सेंटर में बनाई ना? हाँ सही है, घोड़े की पूंछ की तरह पोनी बना लेनी है। देखिए पोनी बना दी मैंने, और ये लिए सीजर, अच्छे से कट होने वाली, बिल्कुल तीखी चाहिए। बिल्कुल तीखी। और इस कट में एक फायदा ये भी है कि हम चाहे कितने भी हेयर कट करें, लेंथ हमारी उतनी रहती है। और ये मेरे को यही चाहिए था, कितने तक काटूं? बस लेंथ से ज्यादा नहीं काटनी, पर ठीक ही करना है, स्टाइल अच्छी हो जानी चाहिए। ये ऐसे पकड़ा, और थोड़ी सी तिरछी कैंची चलानी है ताकि बिल्कुल वो स्ट्रेट से ना हो। ऐसे तिरछी चलानी है। हाँ मैं ऐसी वो हूँ, मॉडल हूँ, और हमारे हेयर स्टाइलिश अलग है जो आपको बता रहे हैं, जो मेरे बाल कट चुके हैं। हाँ जी देखिए ये हो गया। अब हम ये पोनी को खोल देंगे। खोल दिया। अब आप इतना भी कर सकते हो, पर हम थोड़े से ज्यादा स्टेप्स बनाने वाले हैं। तो इसमें स्टेप्स बन गए? वाह, अभी इतने नहीं दिखेंगे। ये देखिए कुछ छोटे कुछ वैसे लेंथ जा रही है इसकी, पर लंबे बाल है तो हम और भी स्टेप्स बनाएंगे इसमें ताकि अच्छे लगे, थोड़ा बाउंस आए बालों में। हाँ ये पतले वालों के लिए, और स्ट्रेट वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ और देखिए, अब यहाँ बिल्कुल कान के पास से लेना है, ऐसे करके सीधा दोनों कान के पास से लेके बिल्कुल ऐसे डिवाइड कर लेना बाल। ठीक है, और इन बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्लचर था ना ये रहा, इनको पकड़। ऐसे हाँ, यहाँ सेल्फ सर्विस है भाई। सही है, सेल्फ सर्विस होनी चाहिए पूरी के सैलून। हाँ चल, ये इन बालों को हम कुछ भी नहीं करेंगे अभी। ठीक है चल, और इनको वापस ले आ गए, ये दिखा दे। ठीक है, बिल्कुल कान के पास से हमने डिवाइड करे हैं बाल। फिर इसकी पोनी बनेगी, फिर से पोनी बनेगी। ये भैया जग कितना अलग तरीका है, मेरे को पता नहीं था ये ऐसे काटने वाली है। ये बहुत ही इजी है, मैं तो जब से खुद से कर रही हूँ, मुझे किसी की पसंद भी नहीं आती। क्योंकि सेम कट होता है, और इतना टाइम वेस्ट करा के आते हैं हम, इतने
पैसे भी वेस्ट ही करते हैं और कई बार तो हमारी लेंथ भी इतनी ज्यादा काट देते हैं ना जिसको हमें चाहते भी नहीं होते कि हमें इतने कटवाने हैं बाल। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, इसलिए मैंने इस बार सुनीला को ट्राई किया। सुनीला बहुत अपनी तारीफ कर रही थी कि मैं बहुत अच्छे बाल काटती हूँ, तो मैंने कहा अब भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, अब तुम देख लेना। हाँ तो ये सारी ऑडियंस बताएगी कि उन्हें मेरे बाल कैसे लगे। ये फिर से पौनी बन गई और अब हम इसे भी कट कर देते हैं। जितना पहले कट किया था ना इतना उतना ही लेंथ है, इसमें कट कर देते हैं। ये भी तिरछी कैंची चलेगी इसमें। मेरे बाल नीचे गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। नहीं घर ले जाना। मैं शुरू शुरू में मैंने अपने कट किए थे तो बहुत दिनों तक संभाल के रखे थे। ये बालों का बड़ा बहुत बड़ा बिजनेस होता है रियल हेयर का। यार ये वाले नहीं होते, वो जो लंबे लंबे उतरते हैं ना बाल, नहीं ये भी वो ही यूज होते हैं, सारे होते हैं। नहीं होते, अरे होते हैं भाई, किलो के भाव में बिकते हैं बाल। कचरा कोई, अरे यही लेता है कचरा भी। देखिए कट गया, बताइए लोग आप कमेंट करके बताइएगा कि कचरा बाल भी लेते हैं। हाँ आप बताना जरूर कि ये जो छोटे छोटे कटे हैं ना बाल, ये भी बिकते हैं क्या? अरे लोगों के झड़े पे बाल भी लेते हैं पागल। हाँ वो बिकते हैं क्योंकि रूट से जो लंबे लंबे निकलते हैं ना। अच्छा वो निकलते हैं, ये अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, काम नहीं आते उनके भी बनते हैं ना। आप बता मेरे बाल कैसे कटे, मेन मुद्दा तेरे तो अभी कुछ नहीं समझ आने वाला है तुम्हें। क्यों? हाँ अरे गाइस ये दिखाती हूँ कि लेंथ आप चेक कर लेना उतनी की उतनी है। फर्स्ट स्टेप आते जाएंगे इसमें, इस स्टेप नजर आ रहे हैं लोगों को। और सिर का बोझ भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है, लेंथ भी कम नहीं होती। तो स्टेप्स आ चुके हैं। हाँ। सीधा देख। हाँ ये देखिए इतनी अच्छी लेयर्स आ रही हैं। अभी अच्छी है ना, अभी मैं अभी क्राउन से बनाऊंगी। हाँ क्राउन से कट करूंगी तो ये फ्रंट पे आएगा ऐसे लेयर। चलो अभी ये हम लेंगे यहाँ से फोरहेड से। एक बार और बलिदान होने वाला है मेरे बालों का। यहाँ से लेंगे देखिए फोरहेड से, कान के पास से, कान के ऊपर से। तेरे तो दो और आ जाती लंबे से ना। दो को डाल दे फिर। दो डाल। हाँ दो डाल दे। अरे डाल दे ना, दो डाल दो ना। एक करीम मूवी के अंदर वो सीन था बड़ा, वो फेमस हुआ था। कर दो ना, देखिए जी इसके बाल बहुत लंबे, तो हम एक स्टेप और डालने वाले। हाँ मेरे बाल लंबे थे, यहाँ तक लंबे थे, इसलिए इसे लग रहा है कि दो स्टेप और डाल दूंगी। क्योंकि मेरे थोड़े से छोटे हैं ना। हाँ तो यहाँ पहले कान से लिया था, अब थोड़ा सा ऊपर से लेंगे। वो कान वाले भी हमने काटे नहीं है ना, कान वाले काट लेते हैं, वो क्राउन वाला अभी बाकी है। हाँ तो एक स्टेप और डाल रही है, मेरे चार टोटल चार स्टेप डाल रही है ना। हाँ वही तो मैं आपसे पूछ रही थी कि मैक्सिमम लेंथ। अच्छा ये इसको पकड़ ऊपर का। हाँ और वो देना क्लचर, ये पीछे के बाल हम फिर से एज इट इज छोड़ देंगे, इनका काम हो चुका है। इसमें इतना है ना वो देखने की जरूरत नहीं हो रही ना कि कितने लिए छोड़े हमने, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही हेयर वॉश का झंझट है, ना ही बाल गीले करने का। वैसे मैंने हेयर वॉश कर रखे हैं। नहीं वैसे बता रही हूँ, सोचना के लिए बता दूं। मैं पार्लर जाते हैं तो बोलते हैं वॉश करके आओ, एक्स्ट्रा चार्जेस भी करते हैं वॉश करने के, है ना। हाँ लेकिन अगर ऑयली बाल होंगे तभी कट जाएंगे ये सब। कट जाता है, मैं तो मैले में भी काट लेती हूँ, मैले हो कुछ ऐले हो। मैं हेयर कलर करने से पहले ही काट लेती हूँ अपने, ताकि हेयर कलर कम लगे थोड़ा। हाँ बर्बाद नहीं हो। यहाँ भी बचत और जुगाड़, सब जगह जुगाड़ हुआ, सब जगह जुगाड़, कहीं कोई चीज को वेस्ट ना करते हुए। देखिए फिर से पौनी बन गई। आपको जितने लेयर्स बनानी है उतनी पौनी बनाइए और काटते जाइए। देखो ऐसा लुक आता है जब हम काटते हैं, और बाद का लुक भी देखा। ऐसा लुक नहीं था मेरा, जो छोटी मैं ऐसे नहीं बनाती, ऐसा लुक आता है। नहीं हेयर कट करते हैं तो ऐसा लुक आता है। ये अब हम फिर से उतना ही काट देंगे इतना। अगर आपको लगता है कि अनइक्वल हो रहा है ये पकड़ने में, तो यहाँ एक रबड़ भी लगा सकते हो आप। लेकिन ये अपने सदैव आते का उपयोग करते हुए। मेरा तो ये रोज का काम है, रोज का काम है ये। ये बाहर मन करता है कट, ये बाहर कुर्सी लगा के भी बैठती है शाम को सोसाइटी में, और जो जल्दी औरतें दिखती है लंबे बाल के साथ। मैंने अपने बहुत सारी फ्रेंड्स के बाल काटे हैं।
और देखो ये छोटे हो गए यहाँ से लेयर, और दूसरी लेयर भी दिखाती हूँ। हमने कहा चलो खेत घर की खेती है एक बार ट्राई किया जाए, पैसे बढ़ जाते हैं। क्या इनका देखो। क्या इन चीजों का मोह कुछ आ भी रहा है समझ सबको, क्योंकि सेट करने तो मुझे आते नहीं ऐसे। हाँ वो ब्लो ड्रायर से, हाँ ब्लो ड्रायर मेरे घर पे, लेकिन सेट करने मुझे भी नहीं आते, नहीं होती हमारे बाल इतने अच्छे। अब हम फाइनल अच्छे, मतलब अपने मुंह में या मिट्ठू बनने वाली बात है ना, यहाँ यहाँ सुन लीजिए हमारे बाल इतने अच्छे है। अब ये लास्ट और फाइनल वाला, हाँ ये फ्रंट पे आएंगी ये लेयर। अच्छा मुझे तो बाल काटते काटते नींद आने लग गई। अच्छा इसको भी पोनी बना लेते हैं। ये देखिए कितनी बुरी लग रही है। ये बोलना चाह रही थी कि अब हम ये स्टाइल इसका रहने दें। सही है। अच्छा इसको हम ऐसे ऊपर करके ही काटेंगे। हाँ तो मेरे ऊपर बालों की बालों नहीं, नहीं मैं पकड़ के रखूंगी। अच्छा अच्छा तो ये हो गया। कितना छोटा करना वो हम देख सकते हैं। देखो ये इतनी लेयर हमें लेनी है यहाँ तक। अच्छा यहाँ तक ना चिंता। अच्छा मुंह तक नाप लेते हैं, इतना काट लेते हैं। नाप लेना भैया अपने मुंह से पहले। ठीक है अभी मेरा फाइनली कट चुका है पूरा, है ना बात। ये देखो बस इसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये मेरा हेयर कट हो चुका है। हाँ पर थोड़ा सा अभी मैं पीछे से सेट करेंगे। हाँ थोड़ा सा अभी थोड़ा सा और सेट करेंगे हमारे हेयर स्टाइलिश। हाँ ठीक है, बाल काटने के बाद कुछ अच्छा अच्छा सा फील होता है, भले ना। हाँ अभी फ्रेश लुक आ जाता है, अब कुछ अच्छा कुछ अलग भी हो जाता है, फेस अलग दिखने लग जाता है कुछ। तो ये है देखो थोड़ा सा पीछे से थोड़े से ही बिल्कुल पतले रह जाते हैं नीचे, तो उनको हम थोड़ा सा काट लेंगे। ये सेंटर से डिवाइड करना है, ऐसे पार्टीशन करके और सेंटर रखें ये और आगे कर लेना, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सिंपल ऐसे करना है। कर लिया। अगर हम वैसे भी बाल काटे ना अपने स्टेप नहीं डालने हो तो सिंपल ऐसे करो, अपना डिवाइड करो दोनों साइड। अच्छा स्ट्रेट स्ट्रेट करेंगे। हाँ अच्छा। और आगे करके ये पूंछ हम काटेंगे, बस इसे स्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ स्ट्रेट हो जाते हैं और लेंथ भी कम हो जाती है। सही करो थोड़ी सी। हाँ ये जितनी लेंथ अब इस पे डिपेंड करती है लेंथ की, कितनी छोटी होगी कम हो जाएगा। ठीक है कितनी करो, बस 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 काटा है ही नहीं तो ये भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेते हैं। हाँ पूछ 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 यानी हाँ पूछ सी कट जाएगी। भाई देखो लेंथ लंबे बाल को काटते हैं तो भैया थोड़ा दर्द तो होता है ना, बड़े बहुत मुश्किल से बड़े होते हैं बाल। तो देखो ये थोड़ी सी वो बिल्कुल पूछ जा रही थी ना वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गई। सही है आगे जैसे हम करें फ्रंट में, और फ्रंट में रखते हैं ज्यादातर बाल। अब वो जो आप सेट करके देख लो। तो ये अब ये आ गया है मेरा फाइनल लुक। हाँ। अब मेरा कैसा लग रहा है अभी मैंने देख पा रही है, सुनीला बता रही है कैसे करें अपना थोड़ा सा ऐसे बंद बना के रखेंगे और कहीं जाओ तो उसे ओपन करो तो अपने आप ही कर्ल से बन जाते हैं इतने अच्छे, और स्टेप भी नजर आएंगे उसमें। ये भी ये भी टेक्निक है। हाँ बस मैं अपना देखती रहती हूँ ऐसे कर करके। अच्छा तो ये बन बना लिया बस गोल गोल गोल, और इसको यहाँ से अटैच करती है ये। ठीक है ठीक है ठीक है हम रूटीन में ऐसे रख सकते हैं। ठीक है ये मतलब बाल बाल बंद भी जाएंगे। हाँ ये देखो अभी मेरा हेयर कट कैसा हुआ मुझे अभी नहीं समझ आया, अभी मैं देखूंगी तो मैं नहीं दिखाया, अभी घर जाके देखेंगे, घर जाके देखूंगी और मैं आपको फाइनल अपना बताऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है तो आपने पहले जैसे देखा था मेरे बाल कितने लंबे थे, और इसमें बहुत ज्यादा बाल नहीं कटते हैं, देखिए इतने बाल कटे हैं, ये है इतनी सी लेंथ कटी है। हाँ ये देखिए मेरे बाल है कितने जेट ब्लैक, ये देखिए आप। मुझे सफाई भी करनी पड़ रही है। हाँ ये देखिए कितनी अच्छी है ना, ये मेरे दोस्त हो तो ऐसे दोस्त हो तो वो जैसे मुँह छोड़ो थुलाल जैसी दोस्त हो तो सुनीला जैसे।
तो मैं अपना फाइनल लुक देख रही हूँ मिरर में, आंखें के आंखें में बाल सुनीला ने काटे तो काटे कैसे हैं, और इसकी लुक देख रही हूँ। तो देखिए पहले और बाद से मेरे बाल मुझे सीए से अच्छे लग रहे हैं। लगे ना? हाँ, फिर ठीक है, चलो अच्छे लगे, पसंद तो आए। नहीं, मेरे मेरे फेस पे जा भी रहा है, जा रहा है ना? हाँ, क्योंकि हमारे स्ट्रेट बाल है ना और पतले भी है। हाँ, तो अच्छे लगते हैं। मैं थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ ना। है मेरा फाइनल लुक हेयर कट के बाद, और आपने पहले वाला भी देखा था तो कितना अच्छा हेयर कट है ये देखिए, और कितना इजी हो गया। तो ये सुनीला ने बहुत अच्छा हेयर कट बताया है, तो आप इसे जो भी हेयर कट करना चाहते हो उसे ट्राई जरूर करना, अच्छे से रखना सेट करके। ठीक है, ओके, बाय बाय।